नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू एक अहम अपडेट के साथ हम शुरुआत करेंगे, जो कि भरत सिंह बेनीवाल की नाराजगी को दूर करने से लेकर एक खबर है। क्योंकि इलाहाबाद के उपचुनाव में भरत सिंह बेनीवाल की नाराजगी के बाद, जिस तरीके से उनका टिकट कटने के बाद पवन बेनीवाल को मैदान में उतारा गया, और उसके बाद अब युद्ध स्तर पर जो कांग्रेस के पूर्व सीएम हुड्डा और प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा की ओर से कल सिरसा के एक निजी रिसोर्ट में एक बैठक मंथन की गई, कार्यकर्ताओं के साथ घोर मंथन हुआ, और अब खुद शैलजा हुड्डा मैदान में उतरेंगे। स्टार प्रचारक के तौर पर वो पवन बेनीवाल के लिए प्रचार करेंगे। मगर इन सब के बीच में एक बहुत ही अहम बात यह है कि अभी तक भरत बेनीवाल की इन तमाम कार्यक्रमों से दूरी, ये दूरी निश्चित तौर पर कितनी मुश्किलें पवन बेनीवाल के लिए बढ़ा सकती है, ये सबसे बड़ा विषय है। क्योंकि इससे पहले आप देखेंगे, जब 2014 का जब चुनाव हुआ था, तब भी भरत सिंह बेनीवाल को टिकट नहीं मिला था। हालांकि वो बार बार कह चुके कि उनका 4 बार इससे पहले टिकट कट चुका है, मगर जब 2014 में उनकी जगह पर कांग्रेस की ओर से जब भादू को टिकट दिया गया था, यानी उनको प्रत्याशी बनाया गया था, तो उनकी जमानत जब्त हो गई थी। और उसके बाद ये साबित हुआ था कि भरत सिंह बेनीवाल सबसे मजबूत दावेदार थे, कांग्रेस ने इस बात को माना था। मगर उस वक्त अशोक तंवर खेमा मजबूत होने की वजह से टिकट भरत सिंह बेनीवाल को नहीं मिल पाया। मगर अब चर्चा ये है कि 14 तारीख को, यानी कल, भरत बेनीवाल अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक कर आगे का ऐलान कर देंगे। अब ऐलान क्या करेंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण है। मगर इस बीच जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में आप भी अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा हमें। कुमारी शैलजा ने कल जैसे ही कार्यकर्ताओं के साथ मंथन किया, प्रभारी वहां पर रहे, विवेक बंसल, हुड्डा खुद रहे वहां पर, तमाम कार्यकर्ता रहे, ड्यूटियां वहां पर दी गई है तमाम कार्यकर्ताओं को। उसके बाद कुमारी शैलजा ने भरत बेनीवाल के निवास पर जाकर उनसे चर्चा की है, मगर इस चर्चा में हल नहीं निकल पाया। क्योंकि भरत सिंह बेनीवाल ने साफ किया कि बेशक वो कांग्रेस में है, मगर अपने कार्यकर्ताओं से पूछे बिना वो आगे शुरुआत नहीं करेंगे। क्योंकि इससे पहले उनके भतीजे पवन बेनीवाल भी उनके पास पहुंचे थे, उनसे समर्थन की अपील की, तो उन्होंने दो टूक कहा कि मैं अपने कार्यकर्ताओं के अलावा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे कार्यकर्ता ही सबसे मेरी मजबूती है, सबसे मेरा बड़ा आधार है, और उनके बिना मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। मगर कुमारी शैलजा ने इस बात को तो माना है कि उनकी नाराजगी टिकट कटने वाली है, और मायूस होता है जब एक नेता का टिकट कटता है। लेकिन इलाहाबाद में सबसे बड़ा जनाधार और सबसे मजबूत अगर दावेदार के तौर पर, एक बड़े नेता के तौर पर अगर देखा जाए, तो भरत बेनीवाल का नाम सबसे पहले आता है। क्या कांग्रेस ने टिकट सिलेक्शन में कहीं ना कहीं कोई कमी छोड़ दी है, बहुत बड़ी गलती कर दी है, मगर इसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ेगा, ये भी अभी आगे का वक्त बताएगा। सवाल ये है कि क्या 14 तारीख के बाद भरत बेनीवाल कोई बड़ा ऐलान करेंगे, वो बड़ा कोई ऐसा फैसला लेते हैं, क्या वो कांग्रेस में बने रहेंगे, या फिर कांग्रेस के अंदर रहकर ही किस तरीके से वो अपने आप को आगे बढ़ाएंगे, ये बहुत गौर करने वाली बात है। जिस तरीके से भरत बेनीवाल ने बार बार इससे पहले तमाम अपने इंटरव्यू में कहा है कि वो अपना फैसला अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर छोड़ते हैं, क्योंकि वो खुद कुछ नहीं लेते हैं, उनका वोट तो आम जनता है, जब जनता ही उनके साथ है, उनको फैसला देगी, तो वो ही फैसला मानेंगे, वो अपनी तरफ से कुछ नहीं करने वाले हैं। उनसे तमाम सवाल किए जाते हैं कि आप कांग्रेस की मदद करेंगे, आप पवन के साथ चलेंगे, आप हुड्डा की बात मानेंगे, हुड्डा खेमे के वो नेता माने जाते हैं, लेकिन हुड्डा से जब ये सवाल किया गया कि आपके तो खास हैं, उन्होंने कहा कि मेरे लिए हर कोई खास होता है, और कोशिश है हम मनाएंगे उनको, कोशिश है उनको खुश किया जाएगा। मगर अभी तक की जो अपडेट है उसके मुताबिक अभी तक भरत बेनीवाल जो है वो अपनी उस बात पर लगातार अड़िंग है कि वो कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। अब ये बैठक 14 अक्टूबर को होनी है, यानी कल वो अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ मिलेंगे, उसके बाद वो फैसला लेंगे। क्योंकि पिछले चुनाव में जब मैंने पहले कहा, जब भादू को टिकट मिला था, तब वो बागी हो गए थे, उन्होंने उनका कोई समर्थन नहीं किया, और तब उसका रिजल्ट साफ है
कि वो अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए थे। वहीं पर कांग्रेस को एक थोड़ा सा हल्का फुल्का कमबैक भी मिला है, वो ये है कि जगदीश नेहरा पूर्व में सिंचाई मंत्री रहे, पिछले 7 सालों से वो बीजेपी में थे, बीजेपी की टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा मगर अपनी जमानत नहीं बचा पाए। अब उन्होंने कांग्रेस का दामन फिर से थाम लिया है, उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन है, मैं उनके साथ हूँ, इसलिए मुझे कांग्रेस में आना है, मैं 7 साल का वनवास पूरा करके आया हूँ। तो ये कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है, मगर इससे पहले अपनी जमानत जब्त करवाए जो कैंडिडेट थे भादु, वो अब बीजेपी के साथ चले गए। उन्होंने कहा कि भाई सरकार मौके की बीजेपी है तो इलाहाबाद में बीजेपी ही भला कर सकती है, लेकिन कुमारी सैलजा ने उनके ऊपर भी तंज कसा है कि अब वो लोगों के बीच में कैसे जाएंगे, क्योंकि पहले से मुश्किल आ रही है बीजेपी को तो गांव-गांव में जाने के लिए। तो ये तमाम सवाल हैं जिनके ऊपर हम आपके कमेंट सेक्शन में कोशिश आप भी कीजिए, आप भी अपनी राय रखिए ताकि हम तमाम अहम बिंदुओं के ऊपर विस्तारपूर्वक आगे बढ़ सकें। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, आपको भी इसके ऊपर अपनी राय देनी है कमेंट सेक्शन में जरूर।